आरडी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्लास 11 है, चैप्टर 29, लिमिट्स एक्सरसाइज है 29.8। इसमें जो अगला सवाल है वो है 2 to the power n-1 a बाय 2 की पावर n, ये साइन है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो इसको कैसे किया जाएगा, इसको देखिए आप 2 की पावर n-1 है, यहाँ 2n दिख रहा है, तो इसको कैसे बनाया जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n/2, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो 2 की पावर n-1 ही बनेगा। अब यहां पर आपका है साइन a बाय 2 की पावर n, तो सबसे पहले ये जो थीटा है इसको बना देते हैं, a की पावर 2/n मल्टीप्लाई कर देते हैं a की पावर 2/n से, लिमिट लगा देते हैं यहां पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब आप देखें कि यहां पर अगर n को इन्फिनिटी करते हैं तो ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, और इन्फिनिटी करेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, साइन 0/0 वाला आएगा, तो इसको जरा चेंज कर देते हैं, a बाय 2 की पावर n, इसको हम रखते हैं कुछ y या t मान लेते हैं, राइट। तो ये जब y मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन y बाय y, केवल ये बता रहा हूं, और लिमिट होगी, अब देखिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, अगर ये इन्फाइनाइट हो जाएगा तो ये y टेंड्स टू क्या हो जाएगा, ये जीरो बनेगा, y टेंड्स टू जीरो हो गया, ये हो गया। अब हम ये इसको देखिएगा, ये जो है ना यहां पर ये 2 की पावर n और 2 की पावर n ये तो कट गया, a बाय 2 आया केवल यहां से, तो a बाय 2 बाहर ले लीजिए, और ये हो गया साइन थीटा बाय थीटा, लिमिट बाय ये थीटा टेंड्स टू जीरो, तो ये हो गया 1, तो a बाय 2 आ गया आपका। अब है साइन a बाय 2 की पावर n, यहां है साइन b बाय 2 की पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसमें भी ऐसे ही कुछ करेंगे, पहले हम अपना इसका बना लेंगे फिर इसका बना लेंगे, क्या, क्योंकि आप ध्यान रखें a बाय 2 की पावर n या b बाय 2 की पावर n कोई भी ले लें, अगर ये n को आप इन्फिनिटी रखते हैं तो ये a बाय इन्फाइनाइट बनेगा, यानी कि ये जीरो बनेगा, ओके। और फिर साइन जीरो बाय साइन जीरो, और ये भी साइन जीरो बाय जीरो, ये इनडिटर्मिनेट केस आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने अभी किया था ये वाला, वही 2 बार अप्लाई कर देंगे बस, अलग अलग वेरिएबल लगा देंगे। तो यहां पर है साइन, पहला वाला ऊपर वाला लेते हैं, a बाय 2 की पावर n है, तो यहाँ नीचे a बाय 2 की पावर n कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं a बाय 2 की पावर n से, ये हो गया पहला। दूसरे पे आ जाइए आप, ये साइन b बाय 2 की पावर n है, यहां भी आप कर दीजिए b बाय 2 की पावर n, और इसको नीचे कर दीजिए b बाय 2 की पावर n से मल्टीप्लाई, ओके। अब यहां पर देखिए, ये इस वाले के लिए ले रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, अगर हम a बाय 2 की पावर n को कुछ y ले लें, कुछ भी ले सकते हैं आपके ऊपर, y ले लीजिए, t ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, तो यहां पर अब n टेंड्स, अगर y n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये इन्फिनिट है तो ये जीरो होगा, तो हम लिमिट चेंज कर देंगे, y टेंड्स टू जीरो हो गया, ये बनेगा आपका साइन y बाय y, और ये a बाय 2 की पावर n यहां आ गया। इसके लिए अब ये वाला पोर्शन हो गया, अब ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, यहां लगा रहे हैं लिमिट सेम। अब b बाय 2 की पावर n, ये b बाय 2 की पावर n जो है, इसको हम कुछ और ले लें, z ले लें मान लीजिए, या कोई आप ले लें जो आपकी मर्जी हो, तो अगर ये n इनफाइनाइट है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो z टेंड्स टू जीरो, और यहां आपका आ जाएगा, ये ऊपर है आपका, ये b बाय 2 की पावर n, आपने z ले लिया, ये भी z हो गया, साइन z डिवाइडेड बाय 1/v^2 तो ये तो पूरा आपका 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, साइन z बाय z आपका क्या आया, a बाय 2 की पावर n डिवाइडेड बाय b बाय 2 की पावर n, ये हो गया कैंसिल, a बाय b आ गया इसका, ये इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर है 27, इसमें कहा गया है लिमिट x टेंड्स टू -1 x2 - x - 2, नीचे है x2 + x, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, और प्लस साइन x + 1। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो x2 - x - 2 है, इसको लिख सकते हैं x2 - 2x + x - 2, यानी हो गया x - 2 - +1 कर सकते हैं x - 2, ये बना आपका x + 1 और x - 2, यानी ये जो है x2 - x - 2 हो गया x माइनस
एक्स माइनस टू और एक्स प्लस वन, यानी हमने इसके फैक्टर बना दिए। नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वन, तो इसमें भी आप इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से आप एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस वन बनेगा और प्लस साइन एक्स प्लस वन। नीचे आ गया एक्स, एक्स प्लस वन प्लस साइन एक्स प्लस वन। अब आप देखिए एक्स प्लस वन कई बार आ रहा है, ये एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, तो हम क्या करते हैं कुछ टी या कुछ वाई ले लेते हैं, वाई को हम बराबर कर देते हैं एक्स प्लस वन, इस एक्स प्लस वन की जगह वाई रख दीजिए, तो एक्स प्लस वन की जगह ये वाई हो गया, ये भी वाई हो गया प्लस साइन वाई हो गया ये, ओके। अब यहां देखिए ये एक्स माइनस टू है, तो वाई की जगह अगर आप एक्स प्लस वन रख रहे हैं तो एक्स माइनस टू क्या बनेगा वाई की जगह, तो एक्स एक्स होगा, इसके हिसाब से एक्स कितना बन रहा है वाई माइनस वन, बस वाई माइनस वन को रख दीजिए, तो वाई माइनस वन माइनस टू यानी कि वाई माइनस थ्री यहां पर आ गया, और ये तो खैर वाई हो गया, एक्स क्या बनेगा, एक्स बनेगा वाई माइनस वन, ठीक। अब आप क्या करिए, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए वाई से, तो यहाँ बनेगा वाई माइनस थ्री, वाई माइनस वन बाय वाई, वाई माइनस वन वाई का डिवाइड करेंगे वाई से, तो वाई माइनस वन प्लस साइन वाई बाय वाई। अब इसमें लगा दीजिए आप लिमिट वाई टेंड्स टू जीरो, ठीक, क्योंकि अगर एक्स टेंड्स टू माइनस वन है, यहाँ माइनस वन रख के देखिए, माइनस वन प्लस वन जीरो, तो वाई टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, वाई टेंड्स टू जीरो हो गया। अभी क्या करके लगा दीजिए, यहाँ पर जीरो रखिए, जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री, ये हो गया जीरो माइनस वन प्लस ये साइन वाई बाय वाई, अगर यहाँ लगा लिमिट लगाएंगे तो वन हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा माइनस थ्री बाय माइनस वन प्लस वन, और ये हो गया आपका इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट आएगा इसका उत्तर, ठीक। और इसका कोई जरियाए हाल इसका नहीं है, 27 का उत्तर इनफाइनाइट है। सवाल संख्या है आपकी 28, इसमें कहा गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू, बिल्कुल एक्जैक्टली वही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू अभी भी हम बना चुके हैं, ये था हमारा एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन, ये बना चुके हैं ना। और देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है, इसके हम एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो एक्स एक्स माइनस टू प्लस हो जाएगा साइन एक्स माइनस टू, और आप देख रहे हैं एक्स माइनस ये एक्स माइनस टू है, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू हर जगह दिख रहा है, वाई को हम ले लेंगे एक्स माइनस टू, ओके। तो यहाँ पर पहले वाई की जगह एक्स माइनस टू रखेंगे, तो ये वाई हो गया, ये भी वाई हो गया, हो गया साइन वाई। अब इस एक्स माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, वाई प्लस टू, तो यहाँ हो गया आपका वाई प्लस टू, और इस एक्स एक्स प्लस वन की क्या जगह क्या रखेंगे, एक्स हो जाएगा इसमें वाई प्लस टू और प्लस वन कर दीजिए, तो एक्स प्लस वन की जगह हो जाएगा वाई प्लस थ्री, और ऊपर नीचे वाई से डिवाइड कर दीजिए, तो इसको वाई से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, इसको वाई से डिवाइड करेंगे दे कैंसिल, इसके नीचे वाई आ जाएगा, तो क्या बना वाई प्लस थ्री, ये वाई प्लस टू, यहाँ बना साइन वाई बाय वाई। अब लिमिट लगा दीजिए आप लिमिट, अब देखें एक्स है टू के बराबर, अगर एक्स यहाँ पर टू रखेंगे तो टू माइनस टू कितना हो जाएगा जीरो, तो वाई लिमिट वाई कितनी चेंज हो जाएगी टेंड्स टू जीरो, तो ये वाई जीरो प्लस थ्री थ्री, जीरो प्लस टू टू, साइन वाई बाय वाई का लिमिट लगाएंगे तो वन, तो थ्री बाय थ्री हो गया वन, वन आएगा इसका उत्तर। नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, वन माइनस एक्स टेन पाई एक्स बाय टू, एक्स टेंड्स टू वन है आपका, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक्स टेंड्स टू वन है तो वन है वन, तो आप करिए यहां पर एक्स की जगह आप रखिए वन माइनस एच, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट लगा दीजिए इसमें, वन माइनस एच कर दीजिए, तो इससे क्या फायदा होने वाला है वन माइनस एच से देखिए, यह है वन माइनस एक्स की जगह वन माइनस एच लगा रहे हैं, जगह टेन पाई एक्स की जगह वन माइनस एच या टू है, ओके, वन माइनस वन, वन माइनस वन प्लस एच, तो वन वन कैंसिल, एच आ गया यहाँ पे, टेन ये हो जाएगा पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू एच। अब टेन नाइन्टी माइनस थीटा कितना होता है, ये नाइन्टी है, टेन नाइन्टी माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो एच हो गया और ये हो जाएगा कॉट पाई बाय टू एच। अब इस टेन इस कॉट पाई बाय टू एच को नीचे ले जाइए, हो जाएगा एच बाय टेन पाई बाय टू एच, ठीक।
आपको पाई बाई टू चाहिए तो पाई बाई टू से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे डिवाइड कर दीजिए। ओके तो ये अब लिमिट लगा दीजिए, ये थीटा है ये भी थीटा है, तो लिमिट लगाइए। अब आपने क्या करा है, आपने क्या किया है, एक्सटेंड्स टू वन किया है, एक्सटेंड्स टू वन किया है ना, तो एक्सटेंड्स टू वन है तो एच कितना बनेगा, वन माइनस एक्स एच, तो एक्सटेंड्स टू वन किया है तो वन माइनस वन जीरो, एच टेंड्स टू जीरो हो गया है। ये पूरा वन हो गया, वन बाय पाई बाई टू, टू ऊपर जाएगा, टू बाय पाई बचेगा इसमें, ये उत्तर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कहा गया है 1 माइनस टेन एक्स बाय वन माइनस अंडर रूट क्या है ये 2 साइन एक्स, इसमें लिमिट है एक्स टेंड्स टू पाई बाय फोर। अगर आप यहां पर टेन पाई बाय फोर करेंगे, या दिखा देता हूं, टेन पाई बाय फोर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस टेन पाई बाय फोर, यानी टेन पाई बाय फोर तो वन होता है, 1 माइनस 1 1 माइनस 0। यहां भी अगर साइन पाई बाय फोर करते हैं, 1 बाय रूट टू, रूट टू, रूट टू कैंसिल, 1 माइनस 0 0 बाय 0 फॉर्म आ जाएगा, तो ऐसे काम बन नहीं पाएगा। पहले आप नीचे वाले को देख के रैशनलाइज कीजिए, आर एफ से मल्टीप्लाई करिए, आर एफ से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब यही जो संख्या है उसका प्लस के साथ, इसका प्लस प्लस, तो नीचे आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 और साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस 2 अंडर रूट साइन एक्स का बनी रहा है 1 माइनस टेन एक्स। अभी जो 1 माइनस टेन एक्स है, टेन एक्स को लिखिए साइन एक्स बाय कॉस एक्स, क्योंकि 1 प्लस अंडर रूट कॉस एक्स है। अच्छा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉस 2 थीटा, जो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स आया है ये होता है कॉस 2 एक्स, राइट। तो ये और ये 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स आया, इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं आप ये कॉस माइनस साइन बाय कॉस, तो जगह कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस एक्स नीचे, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स तो कॉस 2 एक्स है ही नीचे, कॉस 2 एक्स कर दीजिए, और ऊपर क्या बन रहा है आपका 1 प्लस अंडर रूट 2 साइन एक्स। ओके, अब इस कॉस 2 एक्स की जगह आप लिखिए कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस 2, अब यहीं पे देख लीजिए आप इस साइन स्क्वायर, ये कॉस 2 एक्स जो है ये बनता कैसे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कहाँ से आया है, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस 2 एक्स की जगह हम लिखेंगे कॉस 2 एक्स की जगह रखेंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ऊपर है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये कॉस 2 एक्स को हम लिख रहे हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ये वाला केवल क्योंकि कटने वाला है, और कॉस एक्स है आपका यहाँ पर 1 प्लस अंडर रूट 2 साइन एक्स, इसको हटा दीजिए आप, क्या बना 1 प्लस अंडर रूट 2 साइन एक्स, 1 प्लस अंडर रूट 2 साइन एक्स। अब x की जगह x की लिमिट लगा दीजिए, x पाई बाय 4, साइन पाई बाय x कितना होता है 1 बाय रूट 2 साइन पाई बाय 4, यहां पर लगाइए कॉस आपका पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं, कॉस पाई बाय 4 कितना होगा 1 बाय रूट 2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन पाई बाय 4 कितना होगा 1 बाय रूट 2, कॉस पाई बाय 4 कितना होगा 1 बाय रूट 2। ओके, ऊपर तो आपका 1 प्लस 1 2 आ गया, नीचे कितना है 2 बाय रूट 2, ये पूरा बनेगा 2 बाय रूट 2, ये पूरा 2 बाय रूट 2 बनेगा, तो रूट 2 रूट 2 हो गया 2, 2 2 कैंसिल, ओनली 2 आएगा ऊपर वाला, केवल 2 इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है ये, इसमें कहा गया है अंडर रूट 2 कॉस एक्स माइनस 1 बाय पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहां पर आप ये एक्स टेंड्स टू पाई है, तो आप सीधा जो एक्स है इसको रख दीजिए पाई माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट लगा दीजिए पाई माइनस एच, इसमें क्या होगा अंडर रूट 2 प्लस कॉस पाई माइनस एच कर रहे हैं हम माइनस 1, इसमें आर एफ भी लगाना पड़ेगा, अभी पहले ये कर लेते हैं फिर बता दूंगा, पाई माइनस एक्स इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, पाई माइनस एक्स की जगह हम पाई माइनस एच रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई प्लस एच, स्क्वायर में है तो ये एच स्क्वायर रहेगा, ये सब स्क्वायर में चल रहा है अपना, एच स्क्वायर नीचे आएगा तो एच स्क्वायर आया यहाँ पर। ओके, अब कॉस पाई माइनस एच जो होता है वो माइनस कॉस एच होता है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है,
तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू माइनस कॉस एच माइनस वन बाय एच स्क्वायर। अब इसको करेंगे आर एफ से मल्टीप्लाई, देखिएगा आप अंडर रूट टू माइनस कॉस एच प्लस से किया है, इसके प्लस वाले से यह मल्टीप्लाई किया है, तो मैं इसको यहीं बता देता हूं आपको। देखिए आप ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यानी इसका रूट हट जाएगा टू माइनस कॉस एच और ये माइनस वन स्क्वायर वन, तो टू माइनस वन कितना हो जाएगा वन, वन माइनस कॉस एच, नीचे आपका एच स्क्वायर है और ये भी मल्टीप्लाई किया आपने। वन माइनस कॉस एच कितना होता है टू साइन स्क्वायर एच बाय टू, यहां से बता रहा हूँ वन माइनस कॉस एच है टू साइन स्क्वायर एच बाय टू, नीचे आपका एच स्क्वायर है ही, इसको फोर से डिवाइड कर दीजिए, फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये एच बाय टू होल स्क्वायर हो जाएगा, एच बाय टू होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आपका अंडर रूट टू माइनस कॉस एच प्लस वन है, अब लिमिट लगा दीजिए, ये साइन स्क्वायर एच बाय टू और ये एच बाय टू, ये तो वन हो जाएगा, ये आपका टू टू वन बाय टू बाहर आया। अब इस पर लगाएंगे यहाँ पर एच टेंस टू जीरो, तो टू माइनस जीरो कितना हो जाएगा वन, टू माइनस जीरो टू माइनस जीरो टू नहीं कॉस जीरो है ना, ये कॉस जीरो वन होता है, तो टू माइनस वन प्लस वन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू, अंडर रूट टू आ रहा है इसमें, इसमें नहीं टू माइनस वन है ना अंडर रूट, अच्छा 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 मैं इसको दोबारा बता रहा हूँ, वन बाय अंडर रूट टू माइनस कॉस एच प्लस वन, प्लस वन बाहर है, प्लस वन बाहर है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू माइनस वन प्लस वन, ओके टू माइनस वन वन होता है, तो वन बाय वन प्लस वन यानी कि वन बाय टू, बस वन बाय टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए वन बाय फोर आ जाएगा, ये बाहर है ना वन बाहर है। क्वेश्चन नंबर 32 है ये, इसमें कहा गया है आपका अंडर रूट टू माइनस कॉस एक्स माइनस एन एक्स बाय फोर पाई माइनस पाई का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या करेंगे ये एक्स टेंड्स टू पाई है, तो एक्स टेंड्स टू पाई है, पाई बाय फोर है ना, तो आप यहां पर इसमें एक्स की जगह रख दीजिए पाई बाय फोर प्लस एच, माइनस एच भी रख सकते थे, पाई बाय फोर प्लस एच में आप देखेंगे क्या मिलेगा, तो ये हो गया रूट टू माइनस कॉस पाई बाय फोर प्लस एच और प्लस साइन पाई बाय फोर प्लस एच, डिनोमिनेटर में आएगा आपका फोर एक्स माइनस पाई का होल स्क्वायर, इसको अलग से करता हूं मैं, यहां करता हूं फोर एक्स माइनस पाई, तो फोर हम एक्स की जगह क्या रख रहे हैं पाई बाय फोर प्लस एच माइनस पाई, इसका होल स्क्वायर है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर बाद में मैं स्क्वायर लगाऊंगा, मल्टीप्लाई करिए इसको अंदर, फोर इंटू पाई बाय फोर हो जाएगा पाई प्लस ये हो जाएगा फोर एच और माइनस पाई, पाई पाई कैंसिल, फोर एच हो गया, इसका स्क्वायर है, तो फोर एच का होल स्क्वायर कितना हुआ सिक्सटीन एच का होल स्क्वायर, तो नीचे आपका सिक्सटीन एच होल स्क्वायर आया। अब आप इसको देखिए, ये जो है ना कॉस पाई बाय फोर प्लस एच और साइन पाई बाय फोर प्लस एच, ये कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर लगाया हुआ है, इसको मैं यही बता देता हूँ, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कितना होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और जहां जहां आप ये कॉस पाई बाय फोर देख रहे हैं, कॉस पाई बाय फोर होता है कॉस 45 डिग्री बेसिकली, वन बाय रूट टू आएगा, ये बनेगा कितना, ये वाला बता रहा हूँ, वन बाय रूट टू कॉस एच माइनस, यहाँ भी वन बाय रूट टू आएगा, वन बाय रूट टू साइन एच प्लस होगा वन बाय रूट टू कॉस एच प्लस ये होगा वन बाय रूट टू साइन एच, जैसे क्या हुआ ये आपका, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये बना आपका कितना टू टू बाय रूट टू कॉस एच, ये और ये टू बाय रूट टू को कैसे लिख सकते हैं आप, रूट टू से मल्टीप्लाई करिए जरा ऊपर नीचे, तो नीचे बनेगा टू, ये इससे कैंसिल, रूट टू कॉस एच आएगा, रूट टू कॉस एच, लेकिन आगे रूट टू है ही ऑलरेडी, रूट टू माइनस रूट टू कॉस एच आ रहा है, अब इससे आप रूट टू कॉमन ले लीजिए, वन माइनस कॉस एच आ रहा है, और मैंने आपको बताया था कि नीचे आपका सिक्सटीन एच स्क्वायर है ही आगे, इसको लिख सकते हैं रूट टू, वन माइनस कॉस एच क्या हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एच बाय टू, यानी कि आपको एच स्क्वायर बाय फोर चाहिए, तो एच स्क्वायर तो है ही अपने पास, डिवाइड बाय फोर करिए और मल्टीप्लाई बाय फोर कर दीजिए सिक्सटीन इंटू फोर, ओके ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया है, सिक्सटीन ऑलरेडी था, तो ये पूरा जो हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक लिमिट लगाएंगे एच टेंस टू जीरो, तो ये तो वन हो गया आपका, ये टू टू ज़ा फोर हो गया और टू इंटू सिक्सटीन हो गया आपका बत्तीस, रूट टू बाय बत्तीस आया, रूट टू बाय बत्तीस, चाहे तो इसको थोड़ा और कर सकते हैं, रूट टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रूट टू हो गया टू, ये थर्टी टू रूट टू, ये हो जाएगा सिक्सटीन, तो वन बाय सिक्सटीन रूट टू आ जाएगा।
ये सवाल संख्या है 33, इसको हम अगली बार लेंगे, अगले डिस्कशन लेते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।